ग्वालियर की माधवगंज पुलिस ने लूट के मामले का 24 घंटे के अंदर खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सामान बरामद किया है। इसके साथ ही पुलिस ने लूट का सामान खरीदने वाले आरोपी को भी हिरासत में लिया है। बता दें कि बीते दिन चित्रा ओली में रहने वाले बुजुर्ग महिला से एक युवक ने कान के बाले लूट कर फरार हो गया था, जिसकी शिकायत उन्होंने माधवगंज थाना में कराई। वहीं पुलिस अधीक्षक ने आरोपी को गिरफ्तार करने वाली टीम को पुलिस रिवॉर्ड देने की घोषणा की है। ग्वालियर पुलिस को आज दो बड़ी सफलताएं, दो लूट की वारदातें निकालने में मिली हैं। इसमें एक घटना कल ही एक वृद्धा जो 65 साल की थी उनके साथ में थाना माधवगंज क्षेत्र में हुई थी, जिनके कान का बाला एक व्यक्ति ने पीछे से आके छीन के लेके आया था। इसमें एडिशनल एसपी गजेंद्र वर्धमान, CSP आयुष गुप्ता और TI धर्मेंद्र यादव, उनके द्वारा पूरी अपनी टीमें लगाकर लगातार जब उसकी रेकी की गई, आसपास पता किया गया और सारे CCTV वगैरह देखे गए, इस आरोपी को पकड़ने में हमको सफलता मिली है। ये वहीं का रहने वाला है, थोड़ा नशा करता है और इसने उसके बाद बाला एक आदमी को कुछ पैसे में दे दिया था, तो बाला जिसने खरीदा था उसको भी और जिसने ये हरकत की थी दोनों को पकड़ लिया है और बाला भी बरामद कर लिया है। ये 24 घंटे के अंदर एक बड़ी अच्छी सफलता मिली है, जिसमें हमारा टीम जो है, ग्राउंड की टीम जो है, उसका CSP आयुष गुप्ता नेतृत्व कर रहे थे।